अजीत इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, सीएम ने आज कई जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया है, हालात को परखने की कोशिश की, जायजा लिया। देखिए बिल्कुल आकांक्षा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बस्ती, अयोध्या, गोरखपुर तीन मंडलों का दौरा किया। छह जिलों में जहां भी बाढ़ की हालत स्थिति ठीक नहीं है वहां उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया और अधिकारियों को सीधे तौर पर निर्देशित किया। बस्ती के कमिश्नर को, फैजाबाद, अयोध्या के कमिश्नर को सीधे तौर पर कहा कि जहां भी बाढ़ से हालात खराब है वहां अधिकारी ग्राउंड जीरो पर रहे और जनता के बीच में रहे। यही बात सुबह जो जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, उन्होंने भी कहा कि हमारी तैयारी पूरी, और जो राहत आयुक्त कार्यालय, जो राहत आयुक्त है यूपी के, उनको मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया कि 24 घंटे में एक बार रिपोर्ट मुख्यमंत्री दफ्तर से अवगत कराएं, क्योंकि कई जिले ऐसे हैं जहां बाढ़ से हालात खराब है और कई जिले ऐसे जहां बारिश कम है। दोनों परिस्थितियों में सरकार निपटने के लिए तैयार है, इसलिए आज मुख्यमंत्री ने छह जिलों का दौरा किया और अब उसकी विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है। बिल्कुल, और बार बार अजीत सीएम इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि सरकार इन तमाम लोगों के साथ है, और ये जिस तरह लगातार हवाई सर्वेक्षण सीएम की तरफ से किया जा रहा है, हालात जो इस वक्त कई जिलों में खराब है, ये दर्शाता है कि सरकार गंभीर है इन हालात को देखते हुए। देखिए बिल्कुल सरकार गंभीर है और व्यक्तिगत तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं गंभीर है, क्योंकि वो हर दिन चीफ सेक्रेटरी से बाढ़ के हालात की रिपोर्ट ले रहे हैं, हर जिले के जिलाधिकारियों से भी रिपोर्ट ली जा रही है, मुख्यमंत्री दफ्तर हर दिन बात कर रहा है कहाँ बारिश हुई, कहाँ जहाँ पानी ज्यादा है वहां राहत बचाव के कार्य किए जा रहे हैं। जो एनडीआरएफ की टीम है उनको भी लगा कर रखा गया, कहीं अगर हालात बिगड़ते हैं तो फौरन टीम पहुंच जाए, कहीं जन हानि ना हो, इन सबको लेकर मुख्यमंत्री एक्टिव है और इसीलिए खुद वो ग्राउंड जीरो पर है। लिहाजा जो अफसर है उनके वो भी ग्राउंड जीरो पर, उनको लगता है अगर सीएम ग्राउंड जीरो पर है तो उन्हें काम करना होगा, और सीएम पहले भी कर चुके हैं कहीं कोई लापरवाही होगी तो उसके लिए अधिकारी जिम्मेदार होंगे और डीएम और एसएसपी की जिम्मेदारी तय होगी। लिहाजा आप मुख्यमंत्री खुद ग्राउंड जीरो पर है, बाढ़ के हालात से निपटने का जायजा ले रहे हैं, तो अधिकारी भी ग्राउंड जीरो पर है और इसका कहीं ना कहीं असर भी देखने को मिलता है आकांक्षा। बिल्कुल, और ये तस्वीरें भी लगातार दर्शकों को हम इस वक्त अजीत दिखा रहे हैं सीएम योगी की, किस तरह हवाई सर्वेक्षण उनकी तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि यूपी के कई वो जिले हैं जहां पर लोग इस वक्त बाढ़ की वजह से प्रभावित है, आम जनजीवन पूरी तरह से व्यस्त है, खुद सीएम नजर बनाए हुए हैं और साथ ही एक के बाद एक मीटिंग्स भी लगातार सीएम की तरफ से की जा रही है इन हालात को लेकर। अजीत बिल्कुल, गोंडा हो, बहराइच हो, बस्ती हो, जो तराई बेल्ट है वहां पर बाढ़ से हालात खराब हो रहे हैं, जो पहाड़ से पानी आता है, नेपाल पानी छोड़ता है, तो वहां पर लखीमपुर खीरी का एरिया हो, तो मुख्यमंत्री इसीलिए ग्राउंड जीरो पर गए हैं कि किसी भी तरह से हालात खराब ना हो और कहीं भी कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, तो मुख्यमंत्री नजर ले रहे हैं, नजर पर रख रहे हैं और समीक्षा बैठक कर रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं वहां ग्राउंड जीरो पर मंडल आयुक्त, जिलाधिकारी, जो वहां स्वास्थ्य अधिकारी है, किसी भी जब बाढ़ आती है और बाढ़ जाती है या बाढ़ नहीं आती तो रोगों का भी फैलाव होता, संक्रमण भी फैलता, तो हर तरह से समीक्षा बैठक की जा रही है, उसकी बाकायदा रिपोर्ट ली जा रही है। रिपोर्ट का मतलब ये होता है आकांक्षा कि आपको हर 24 घंटे पर एक रिपोर्ट बनानी होगी, पूरे 24 घंटे में क्या रहा, पानी कितना बढ़ा, पानी कितना घटा, कितनी सहायता दी गई, तो पूरी प्रॉपर मॉनिटरिंग की जा रही है इसकी। लेकिन अजीत, ये एक बड़े चैलेंज से कम भी नहीं है, क्योंकि अभी भी हालात जिस तरह के बने हुए हैं और आने वाले दिनों में जिस तरह की आशंका जाहिर की जा रही है मौसम के मिजाज को लेकर, लग रहा है कि चैलेंज बड़ा हो सकता है आने वाले दिनों में भी। देखिए बिल्कुल, 27 जिलों में अलर्ट है, कई सारे एरिया जो है वो रेड जोन में है, तो उसको लेकर मुख्यमंत्री ग्राउंड जीरो पर जा रहे हैं। आपने देखा होगा इसी तरह वो कोविड काल में भी ग्राउंड जीरो पर है, क्योंकि बाढ़ जब पानी आसमान की जो आफत है उसे कोई रोक नहीं सकता, तो बचाव ही उसका एकमात्र साधन है, तो उसको लेकर जो सिंचाई मंत्री है, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव, वो भी दौरा कर रहे हैं, सरकार के दोनों डिप्टी सीएम वो भी दौरा कर रहे हैं और खुद मुख्यमंत्री ग्राउंड जीरो पर है, तो कहीं ना कहीं उसका असर और लाभ भी लोगों को मिलेगा, क्योंकि इन हालातों से निपटने के लिए लोगों को खुद तैयार रहना होता है और प्रशासनिक व्यवस्था जो होती है वो, जहाँ नदियां बढ़ रही वहां नाव की तैयारी, वहां एनडीआरएफ की तैयारी, एसडीआरएफ की तैयारी, जो अधिकारी हैं, स्वास्थ्य विभाग की टीम, सभी को लगाया गया है जिससे हर स्थिति से निपटा जा सके। आकांक्षा ठीक है, ये देखिए ये कुछ तस्वीर इस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये फिरोजाबाद की पहली तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं, औरैया की तस्वीर आप देख रहे हैं, आगरा की तस्वीर आप देख रहे हैं, एटा की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये चार तस्वीर हम आपको इस वक्त ये दिखा रहे हैं उन हालातों की जहां पर ये हालात इस वक्त खराब है, जहां पर इस वक्त आम जनजीवन बुरी तरह से व्यस्त है। आप जो बीच में तस्वीर सीएम योगी की देख रहे हैं, या अयोध्या की तस्वीर आप देख पा रहे हैं जहां पर सीएम ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया है, नजर बनाए हुए हैं पूरे उत्तर प्रदेश में उन तमाम इलाकों में जहां पर इस वक्त हालात खराब है, लोग परेशान है। प्रशासन की बात करें तो पूरी तरह एक्टिव है प्रशासन और कोशिश यही हो रही है कि किसी भी तरह की दिक्कत लोगों को ना आए, लगातार लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। लेकिन एक बड़ी बात आने वाले दिनों को लेकर यह भी है, एक चिंता की बात यह भी है कि अभी भी मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, अभी भी हालात
कुछ इसी तरह के बने रह सकते हैं अगले कुछ दिन, क्योंकि नदियों का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। आप ये सड़कें देख रहे हैं तालाब में तब्दील होते हुए, आप लोगों के घरों को देख रहे हैं, दुकानें देख रहे हैं, पानी भरा हुआ है और जो हालात हैं इस वक्त वो चिंताजनक जरूर है। लेकिन सरकार, सीएम योगी पूरी तरह इस वक्त एक्शन में है और निगाह बने हुए हैं इन हालातों पर। कोशिश यही है कि किसी भी तरह की दिक्कत लोगों को ना आए, अगर कोई जरूरत है तो उसको पूरा किया जाए। लगातार अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं मीटिंग्स के जरिए। कोशिश यही हो रही है कि यहाँ पर जो हालात बने हुए हैं जल्द से जल्द इन हालातों से निपटा जाए। अजीत भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत, सरकार एक्शन में है, प्रशासन भी अपना काम कर रहा है, लेकिन आम जनता का भी कर्तव्य है, क्योंकि कई जगह से हम तस्वीर भी देख रहे हैं कि लोगों को अलर्ट किया जा रहा है लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग उन जगहों से हटने के लिए तैयार नहीं है। तो जरूरत है कि इन हालातों को देखते हुए आम जनता भी जागरूक रहे। देखिए बिल्कुल आकांक्षा, बहुत सारे ऐसी देखिए घटनाएं, तस्वीरें हमारे पास आती हैं कि बाढ़ आ गई और बीच में घर है, अपने जानवरों के चक्कर में, अपने घर की संपत्तियों के चक्कर में लोग बाहर नहीं आते और फिर वो जिंदगी के और मौत के बीच में फंस जाते हैं। तो ये तैयारी प्रशासन की है, जहां भी बाढ़ वाला इलाका है, जो रेड अलर्ट वाला जोन है, वहां से लोगों को हटाया भी जाता है। बस्ती के आसपास, अयोध्या का जो माझा इलाका है वहां पर, गोंडा के आसपास जो तराई बेल्ट है, लखीमपुर खीरी पीलीभीत, वहां पर इसीलिए पहले से तैयारी की जाती है, गांव को खाली करा दिया जाता है। जो तराई बेल्ट है लगभग 3 से 4 किलोमीटर वहां पानी पड़ जाता है, सरयू नदी का, गंगा नदी का, गोमती का, राप्ती का, तो उससे पहले ये तैयारी की जाती है। और इसीलिए सीएम एक्शन मोड में है कि कोई घटना हो उससे पहले सरकार और सरकार के जो अफसर है जो फील्ड में तैनात है वो पूरी अपनी जिम्मेदारी के साथ, अपनी पूरी व्यवस्था के साथ फील्ड में रहे और यही परखने के लिए, यही जांचने के लिए मुख्यमंत्री ग्राउंड जीरो पर उतरे हैं। कांचा अजीत, अभी अयोध्या का सीएम की तरफ से ये हवाई सर्वेक्षण किया गया, इसके अलावा अगला कोई प्लान सीएम का, इसके बारे में कोई जानकारी अभी सामने आई है क्या? देखिए बिल्कुल, कल प्रयागराज और मिर्जापुर का दौरा है मुख्यमंत्री का, और जहां भी जाते हैं समीक्षा बैठक करते हैं, जो हालात है उनका जायजा लेते हैं। वो जहां जहां भी बाढ़ आएगी, सुबह स्वतंत्र देव सिंह जो जल शक्ति मंत्री, उनसे जब हम बात कर रहे थे कांचा, उन्होंने भी यही बात कही कि हम हर तरह से तैयार है, हमारे अधिकारी तैयार है। तो मुख्यमंत्री के लगातार पूरे यूपी के दौरे लगे, विशेष तौर से वहां जहां पर बाढ़ के हालात है या जहां पर कोई परेशानी है वहां पर, कल भी प्रयागराज और मिर्जापुर के दौरे पर मुख्यमंत्री है आकांक्षा। ठीक है, यानी कल भी सीएम योगी प्रयागराज के दौरे पर रहने वाले हैं और यहां पर भी हालात का जायजा कल भी सीएम की तरफ से लिया जाएगा। अभी ये चूंकि तस्वीर इस वक्त हम आपको जो दिखा रहे हैं, अयोध्या की तस्वीर सीएम की दिखा रहे हैं आज की, जहां सीएम की तरफ से हवाई सर्वेक्षण किया गया और उन्होंने हालात का जायजा लिया है। यहां पर जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं, क्योंकि दोनों तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो पहली तस्वीर है हवाई सर्वेक्षण करते हुए सीएम की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, और साथ ही जो दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं उसमें आपने देखा कि सीएम की तरफ से अधिकारियों को भी निर्देश जारी किए गए हैं। अब आपको कुछ ग्राफिक्स भी इस वक्त हम दिखा रहे हैं, ये भी आपको जानना चाहिए। इन जिलों में स्कूल बंद है वो आप इस वक्त देख पा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, आगरा हो, इटावा हो या फिर इसके अलावा गौतम बुद्ध नगर हो, ये तमाम वो जिले जहां पर स्कूल्स को बंद कर दिया गया हालात को देखते हुए। और हवाई सर्वे सीएम की तरफ से जो लगातार किया जा रहा है उसके बारे में भी अपडेट आपको करें। आज सीएम की तरफ से अयोध्या का हवाई सर्वेक्षण किया गया है, कल जो कार्यक्रम है वो प्रयागराज का है जहां पर सीएम की तरफ से हवाई सर्वेक्षण किया जाएगा। लेकिन अजीत, अभी चूंकि देखिए एक बड़ा फैसला भी सरकार की तरफ से लिया गया है बच्चों को लेकर, स्कूल्स को बंद कर दिया गया है इन हालात को देखते हुए, और ये दर्शाता है कि पूरी तरह इस वक्त सीएम योगी एक्शन में है इन हालातों को लेकर। देखिए बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन है, स्कूल इसीलिए बंद किए गए। देखिए कई सारे जिले, लगभग 17 जिले ऐसे हैं जहां पर स्कूल बंद किए गए, और उसमें साफ तौर पर यही कहा गया कि रेड अलर्ट है, बारिश का अलर्ट है, बच्चे भी इससे प्रभावित ना। कई बार होता है कि स्कूलों में आप देखिए प्राइमरी स्कूल, जो जूनियर स्कूल है वहां पानी भर जाता है, बच्चे उस हालात से निपटने के लिए सक्षम नहीं होते। लिहाजा पहले ही मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके 2 दिन पहले ही सभी मंडलायुक्त, जिलाधिकारी और कप्तानों को कहा था जहां भी बारिश का अलर्ट है वहां के स्कूल बंद कर दिए जाए। तो राजधानी लखनऊ समेत कई जगह ऐसे हैं जहां पे स्कूल कॉलेज बंद इसलिए कर दिए गए बच्चे प्रभावित ना हो, क्योंकि जब बाढ़ आता है, पानी आता है तो संक्रमण भी फैलता है, बच्चे बीमारी से भी ग्रसित होते हैं। उसको लेकर ये एक तरीके से कहा जाए पहले ही सावधानी बरती गई है और सीएम के निर्देश पर सभी स्कूल जो जहां जहां हालात खराब है वहां बंद कर दिए गए हैं। कांचा बिल्कुल, आप तस्वीरें भी लगातार हम दर्शकों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अजीत, आप क्योंकि जब भी सीएम समीक्षा कर रहे हैं, जब भी मीटिंग कर रहे हैं, अधिकारियों को भी सीएम की तरफ से यह निर्देश दिया जा रहा है कि आप एक्टिव रहिए, अगर किसी भी तरह की सिचुएशन आए तो उसको लेकर पूरी तरह अलर्ट रहिए। देखिए बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने इसीलिए ग्राउंड जीरो पर जा रहे हैं। आज भी देखिए अयोध्या में उन्होंने मंडलायुक्त, जो वहां डीएम है नीतीश कुमार, सबके साथ बैठक की और कहा है कि किसी भी तरह के जो स्थिति है उससे निपटने के लिए आप तैयार हैं, क्योंकि
सरयू नदी का जो पानी है, शारदा नदी जो अयोध्या की तरफ से निकल के जाती है, काफी तेज धारा है और बहुत तेजी से कटान करती है। बहराइच से लेकर बाराबंकी से लेकर अम्बेडकर नगर गाजीपुर तक हो जाती है, तो उस पूरे इलाके को भी निरीक्षण रखने के लिए कहा गया। जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम है उसकी थोड़ी पहले से अयोध्या में तैनात की गई, कोई अगर ऐसी स्थिति आए तो उससे निपटा जा सके। बहराइच का जो इलाका है वहां पर भी तैनात किया गया था, क्योंकि जिस तरह से हालात होते हैं अचानक पानी आता है, जब बारिश होती है तो नदियों का पानी बहुत तेजी से बढ़ता है और फिर उस हालात से स्थिति से निपटने में सक्षम नहीं हो पाते मौके पर अधिकारी। इसलिए पहले से तैयारी, पहले से प्रिपरेशन होना जरूरी है और यही मुख्यमंत्री ग्राउंड जीरो पर जाकर देख रहे हैं और लोगों को निर्देश दे रहे हैं। काम ठीक है अजीत, ये दोनों तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, अभी के लिए आपका शुक्रिया ये जानकारी साझा करने के लिए। और फिलहाल यहाँ वक्त एक ब्रेक का।